प्रचंड चक्रवाती तूफान फानी ने ओडिशा के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई है और इस तूफान से ओडिशा की पुरी और भुवनेश्वर सहित कई इलाकों में बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए हैं, कई इमारतें ढह गई हैं और चारों तरफ पानी भर गया है। इसके अलावा 8 लोगों की जान चली गई है जबकि 160 से अधिक घायल हो चुके हैं। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब इस जानलेवा तूफान ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बंगाल के कई इलाकों में इस तूफान के चलते भारी बारिश हुई है और साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने लगी हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक बंगाल में फानी से किसी भी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से कोलकाता एयरपोर्ट की सर्विस कुछ वक्त के लिए बंद रखी गई है।